हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोग के सामने। मैं बनाने जा रही हूँ काबली चना का छोला। दोस्तों, आप इस वीडियो में देखिए, मैं एकदम सरल तरीके से बना रही हूँ दोस्तों, एकदम सिंपल तरह से बना रही हूँ। दोस्तों, मैं इसमें आप सब ऐड कर रही हूँ, मैं प्याज डाल रही हूँ इसे अच्छी तरह से भून लेना दोस्तों। तो मेरा काबुली चना देखिए इसी तरह से भुना दिया है, मैं भून ली हूँ देखिए। अब मैं इसमें मसाले ऐड करेंगे, मैंने इसका पेस्ट बना लिया था दोस्तों। अब इसमें मैं गोलकी नहीं डाली थी, इसलिए मैं इसमें गोलकी पाउडर डाल रही हूँ और इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ। उसके बाद मैं जो पेस्ट बनाए थे उसको मैं अब इसमें ऐड करूँगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें भूनना है, बहुत अच्छी तरह से देखिए भून आ गया है मसाला इसमें। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी दोस्तों, आप स्वाद अनुसार अपना नमक ऐड करिएगा इसमें, जितना जरूरी है उतना। अब मैं जो तरह से चला लेती हूँ, उसके बाद में इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। मैं इतने ही पानी ऐड करना है दोस्तों, देखिए कैसे हमें बनाना है। शुरू में पूरा हाई फ्लेम रहेगा, इसके बाद एक सीटी लगाने पर थोड़ा कम करके इसके बाद दो सीटी और लगाएंगे दोस्तों। इसी तरह हमें इसे बनाना है दोस्तों। उन लोग पापा को दे चुकी हूँ खाने के लिए, देखकर बताइए कैसा है। अच्छा लग रहा है, एक नंबर। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। दोस्तों, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और साझा करिएगा कि मैं किस तरह से आज बिना उबाले मैं काबली चना का छोला बनाई हूँ और फट से दम 15 मिनट में रेडी हो गया दोस्तों। चलिए, इस तरह वीडियो बने रहिए, तब तक टेक केयर एंड बाय।